Students, good morning to all of you. In previous lecture, we are going to talk about simple plant tissue. हमने plant में जो simple permanent tissue होते थे, उसकी study की थी. In this day, we are going to talk about complex permanent tissue. आज हम study करने वाले हैं complex permanent tissue की. Right? तो simple permanent tissue में क्या होते हैं? कि जो सेल्स होती हैं वो सेम टाइप की होती हैं. दोस टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू. राइट, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना था. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, इसमें सेल्स होती हैं वो मोर देन वन टाइप की होती हैं. राइट, जो सेल्स होंगी वो एक जैसी नहीं होंगी, डिफरेंट टाइप की होंगी और एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेंगी. So what is complex tissue? The tissue which made up of more than one types of cells and perform a common function. जो क्या करेंगी, common function को perform करेंगी. इसके complex permanent tissue जो है वो two types के होते हैं. First is xylem and other is phloem. Xylem and phloem is the constituent of vascular bundle. ये जो xylem और phloem है ये दोनों मिल करके प्लांट का वैस्कुलर बंडल बनाते हैं. वैस्कुलर बंडल क्या होता है, जो प्लांट में जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ये तो है प्लांट टिश्यू. राइट, तो जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये वैस्कुलर बंडल के फॉर्म में होते हैं. मींस दैट इस तरीके से अरेंज होते हैं, जैसे यहाँ पर होगा आपका फ्लोएम और ये इस तरीके से होंगे आपके जाइलम. दोनों मिल करके एक वैस्कुलर बंडल बनाते हैं. राइट, और दीज जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू. इसे हम जाइलम और फ्लोएम को कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, बिकॉज दे कंडक्ट वाटर, फूड एंड मिनरल्स फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट. जैसे आपको पता है कि जो रूट होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है. राइट, तो सिर्फ रूट को ही नहीं, स्टेम को, लीव्स को, फ्रूट को, सबको रूट वाटर चाहिए. राइट, तो जो रूट से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम करता है. जैसे आपकी बॉडी में, आपको पता है जो फूड है हमारी बॉडी में वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और लेकिन उसकी जरूरत हर जगह है. सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको जो फूड है वो सिर्फ इंटेस्टाइन को ही चाहिए, आपको आपके माइंड को भी चाहिए, माइंड की सेल्स को भी चाहिए, पैरों की सेल्स को भी चाहिए. राइट, तो इस तरीके से जो हमारी बॉडी में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड करता है. जिस तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड है उसी तरीके से प्लांट की बॉडी में ब्लड नहीं होता, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं. दीज टू टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट. सो इट इज कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू. आपसे कोई भी पूछता है व्हाई जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू, तो आपका आंसर होना चाहिए बिकॉज xylem and phloem are conduct water and minerals and food from one part to the other part of plant. Plant में जो food substances होते हैं, जो waters होते हैं या जो minerals होता है वो एक part से another part तक transport होता है, और उस transport को कौन करता है, xylem and phloem. और ये plant में कहाँ पर मौजूद होते हैं, vascular bundle बनाते हैं, vascular bundle में मौजूद होते हैं. जाइलम इज मेड अप ऑफ फोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट. जो जाइलम है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. मीन्स दैट इसमें जो जाइलम टिश्यू की जो सेल्स होंगी वो एक टाइप की नहीं होंगी, मोर देन वन टाइप की होंगी. तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकीज एंड वेसल्स. फोर्थ है वेसल्स. जो जाइलम टिश्यू है वो फोर टाइप के एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकीज एंड वेसल्स. राइट, तो इसमें से जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ करके दीज थ्री एलिमेंट्स आर डेड, यानी जो आपका लिविंग
कंपोनेंट है जाइलम का, वो आपका जाइलम पैरेन्काइमा है। जाइलम के मोस्टली टिश्यू डेड होते हैं एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है सिर्फ वही लिविंग है, बाकी जाइलम फाइबर ट्रैकीज एंड वेसल्स ये जाइलम के डेड कंपोनेंट है। और ये चारों कंपोनेंट मिल करके एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हमने कहा जाइलम। और ये क्या करता है, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम, इट कंडक्ट और ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, राइट, कहां से, फ्रॉम रूट टू अदर प्लांट पार्ट, राइट। तो आपसे कोई पूछता है व्हाट इज जाइलम, जाइलम इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू व्हिच इज मेड अप ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ट्रैकीट्स एंड वेसल्स। एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा रिमेन टिश्यू आर डेड, सिर्फ आपका लिविंग कंपोनेंट क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग, बाकी ये सारे जो है वो डेड है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम, इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट। ये प्लांट में वाटर एंड मिनरल को क्या करता है, कंडक्ट करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, रूट से हर जगह उसको पहुंचाने का जो काम है वो जाइलम करता है, राइट। सेकेंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज फ्लोएम। फ्लोएम क्या है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है विच इज मेड अप ऑफ फोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट। इसका भी फॉर्मेशन चार तरह की सेल मिलकर के करती हैं। कौन कौन सी है, पहली आपकी जो सेल्स है इसमें सीव ट्यूब्स, राइट, सेकेंड है कंपेनियन सेल्स, फोर्थ है फ्लोएम, सॉरी थर्ड है फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ इज फ्लोएम फाइबर, राइट। जो फ्लोएम का फॉर्मेशन है, जो फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसका जो फॉर्मेशन है वो फोर टाइप की सेल्स से हुआ है। पहला है सी ट्यूब्स, दूसरा है कंपेनियन सेल्स, तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड चौथा है आपका फ्लोएम फाइबर। इसमें सी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा आर लिविंग। इसमें ये मोस्टली जो सेल्स है फ्लोएम की, जैसे कि सी ट्यूब्स है, आपका कंपेनियन सेल्स है एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, दीज थ्री सेल्स आर लिविंग। आपने जाइलम में क्या था, जाइलम में ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग एंड अदर इज डेड, बट इन द केस ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स एंड सी ट्यूब्स आर लिविंग, ओनली फ्लोएम फाइबर्स आर डेड। ये डेड कंपोनेंट है फ्लोएम का, राइट। तो दोनों में ये पता चलता है कि जाइलम में जो मोस्टली टिश्यूज है, राइट, मोस्टली जो कंपोनेंट है जाइलम के वो क्या है, डेड। सिर्फ एक सिंगल कंपोनेंट है जाइलम पैरेन्काइमा विच आर लिविंग, राइट। लेकिन इन द केस ऑफ फ्लोएम मोस्टली टिश्यू आर लिविंग, मोस्ट जो टिश्यू है वो क्या है, लिविंग है, जैसे कि आपका सी ट्यूब्स है, कंपेनियन सेल्स है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये तीनों आपके लिविंग कंपोनेंट है, राइट। सिर्फ आपका जो फ्लोएम फाइबर्स है वही आपका डेड कंपोनेंट है, राइट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम, इट इज आल्सो ए कंडक्टिंग टिश्यू, सो इट कंडक्ट फूड। ये क्या करता है, फूड को कंडक्ट करता है। वी नो दैट जो फूड का फॉर्मेशन होता है वो लीफ में होता है, और लीफ से फूड हर प्लांट बॉडी तक पहुंचना चाहिए, पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, रूट तक जाना चाहिए, स्टेम तक पहुंचना चाहिए, जहां पर फ्रूट की राइपनिंग हो रही है वहां पर भी फूड की जरूरत होती है, राइट। तो वहां तक लीफ से लेकर पूरे प्लांट तक जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका फ्लोएम टिश्यू करता है। सो इट कंडक्ट फूड फ्रॉम लीफ टू अदर प्लांट बॉडी।
लीफ से पूरे प्लांट बॉडी तक जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्लोएम करता है। एक बार रिकॉल करते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर दोज टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल एंड कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, राइट। दिस इज आर ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वैस्कुलर बंडल, ये प्लांट में वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। जाइलम एंड फ्लोएम इज ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू बिकॉज दे कंडक्ट वाटर, मिनरल, साल्ट। वाटर, मिनरल्स हैं, साल्ट है एंड फूड है, ये सब का क्या करता है, कंडक्शन करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का वर्क करता है, राइट। जाइलम क्या है, जाइलम इज मेड अप ऑफ फोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपोनेंट। फर्स्ट इज जाइलम पैरेन्काइमा, सेकेंड इज जाइलम फाइबर, ट्रैकीट्स एंड वेसल्स। ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग एंड अदर कंपोनेंट इज डेड। सो वी कैन से दैट मोस्टली जो कंपोनेंट है आपके जाइलम के वो क्या है, डेड है। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग है। और इट कंडक्ट वाटर, ये क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि कौन वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, कौन फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो जाइलम है वो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट, क्लियर। जैसे कि आपको पता अगर एक बहुत लार्ज ट्री है, राइट, तो इस तरीके से होगा, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस भी होंगी, राइट, इस तरीके से। तो जो रूट से, रूट की सेल्स में, राइट, रूट में जो जाइलम टिश्यू है वो क्या करेंगे, रूट में जो जाइलम टिश्यू है वो वाटर को हर पार्ट तक पहुंचाएंगे। तो जाइलम टिश्यू जो है वो फोर टाइप्स के कंपोनेंट से मिलकर के बनेंगे, राइट। तो इसमें से जो ट्रैकीट्स एंड वेसल्स है ये नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों क्या करती हैं, वर्टिकली ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। वर्टिकली मतलब सीधा रूट से वर्टिकली इस डायरेक्शन में, जो अपवर्डली ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, राइट, टिप तक पहुंचाने का काम वो ट्रैकीट्स एंड वेसल्स करती हैं, ठीक है। और जो जाइलम फाइबर्स है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है ओनली, क्लियर। और जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो पहले तो पैरेन्काइमा का सेल्स है, तो ये क्या करती है, स्टोर का वर्क करती है। दूसरा ये साइड वे कंडक्शन करती है, मींस दैट जो यहाँ से ब्रांचेस में पानी जाएगा, वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होगा मिनरल्स एंड वाटर का इस ब्रांचेस में, वो जाइलम पैरेन्काइमा करेगा। और जो वर्टिकली होगा वो आपका जो है वो ये करेंगे सी ट्यूब्स एंड सॉरी ट्रैकीट्स एंड वेसल्स करेंगे। इसी तरीके से जो फ्लोएम है, फ्लोएम भी में जो जाइलम आपका जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, राइट, ये फूड को साइड वे ट्रांसपोर्ट करता है, साइड में पहुंचाता है। और जो सी ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स हैं ये फूड को सीधा वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जो आपका फ्लोएम फाइबर है वो सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये था आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे, या तो आपसे पूछा जाए हाउ सिंपल टिश्यू आर डिफर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू, राइट। दूसरा ये हो सकता है कि व्हाई जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू, तो आपका आंसर होगा बिकॉज इट कंडक्ट वाटर, फूड एंड मिनरल्स फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट। सिंपल क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट इज जाइलम, तो जाइलम इज ए कंडक्टिंग टिश्यू, राइट। जाइलम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू which are made up of xylem parenchyma, xylem fibers, tracheids and vessels. इसके अलावा इसका function भी important है। xylem क्या करता है, minerals and water को conduct करता है और phloem food को conduct करता है। What is the dead component of phloem, तो आपका answer होगा phloem fiber। या आपसे पूछा जाए what is the लिविंग कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम, तो आपका आंसर सॉरी लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम, तो आपका आंसर होगा जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये था प्लांट टिश्यू कि प्लांट टिश्यू इज आर ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्टमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यू इज आर क्लासिफाइड अंडर थ्री कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ
their location: apical meristem, intercalary meristem, and lateral meristem. Whereas permanent tissue are classified under two categories: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue is of three types: parenchyma, parenchyma, and sclerenchyma. Whereas complex tissue is of two types: xylem and phloem. From xylem and phloem is the constituent of vascular bundle. Pehla ye important hai. Dusra, xylem and phloem is also called conducting tissue. Clear? So ye aapka plant tissue khatam ho gaya. आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एपिडर्मिस. इसी प्लांट टिश्यू में एक टॉपिक रहेगा आपका एपिडर्मिस. एपिडर्मिस क्या होती है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट बॉडी. अगर आप किसी भी प्लांट को, राइट, कोई भी प्लांट पार्ट हो, चाहे वो लीफ हो, स्टेम्स हो, या फिर रूट हो, राइट, अगर आप उसको अंडर माइक्रोस्कोप, उसकी स्लाइड बना करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, तो जो आउटर मोस्ट लेयर होगी, राइट, जो इस तरीके से आपको फिगर ऑब्जर्व होगा, राइट, इसमें बहुत सारी सेल्स होंगी, इस तरीके से यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम होंगे, राइट, इस तरीके से एक फिगर ऑब्टेंड होगा. बुक में बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है. तो जो उस पार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर होगी, सबसे आउटर लेयर, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, विच इज मेड अप ऑफ बैरल सेव्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स. बैरल सेव्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, जिसका फॉर्मेशन बैरल सेव्ड, यानी इस तरीके से डंबल सेप की होती है, इस तरीके से जो सेल होंगी पैरेन्काइमेटस सेल से होता है. और ये कंटिन्यूअस होती है, ये कंटिन्यूअस लेयर का फॉर्मेशन करती है. मीन्स दैट हैविंग नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनकी सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, एक कंटिन्यूअस लेयर बनाती है, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस. क्लियर? तो अगर आप जैसे सपोज दिस इज अ स्टेम, एक जान लेते हैं, थोड़ा सा प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं तो प्लांट के बारे में जान लेते हैं. अगर आपसे कहा जाए कोई भी प्लांट स्टेम की स्लाइड बनाना, और रूट की स्लाइड बनाना, तो सबसे बेस्ट तरीका जो पहले बताया गया, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस स्टेम को ब्लेड की हेल्प से थिन लेयर में कट कर लीजिए, सर्कुलर शेप में आएगा, राइट. अब उसको क्या करेंगे, आप स्टेन करेंगे विद सेफ्रानिन, और उसको ग्लास लाइट पे रख के, ग्लिसरीन लगा करके, कवर स्लिप लगा करके, माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगा, राइट. तो जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर होगी, विच इज मेड अप ऑफ पैरल सेल पैरेन्काइमेटस सेल कॉल्ड एपिडर्मिस. द पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होंगी वो एक कंटिन्यूअस लेयर का फॉर्मेशन करेंगी, हैविंग नो इंटरसेलुलर स्पेस, जिसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा. क्लियर? तो वो जो आपकी पैरेन्काइमा है वो क्या करता है, प्लांट की एपिडर्मिस बनाता है, राइट. ये एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस की जो सेल होती है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है. इसीलिए जो पैरेन्काइमा है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, वो प्लांट में एपिडर्मिस को बनाता है. इसके अलावा जो पैरेन्काइमा है वो प्लांट की पिथ को बनाता है. किसको? पिथ. पिथ मतलब जो सेंट्रल पार्ट होगा, जैसे कि अगर ये स्टेम आपने लिया इस तरीके से, राइट, तो इसका जो सेंट्रल रीजन आपको दिखेगा अंडर माइक्रोस्कोप में, इसका जो सेंटर का पोर्शन होगा, राइट, वो होगा आपका, वो पोर्शन, उसको हम कहते हैं क्या है, वो पिथ है. और वो पिथ क्या है, पैरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है. तो जो पैरेन्काइमा है वो प्लांट में, एक तो प्लांट की एपिडर्मिस बनाता है, दूसरा पिथ यानी सेंट्रल, प्लांट के स्टेम के सेंट्रल पार्ट को बनाता है. क्लियर? और जो कोलेनकाइमा है, कोलेनकाइमा एपिडर्मिस के नीचे मौजूद होता है, लीफ स्टॉक है ये, यहाँ पर जो इसकी एपिडर्मिस होगी, राइट, जब आप अंडर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे यहाँ की सेल्स को, यहाँ से सेक्शन बनाएंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे आप, तो जो आपको स्लाइड बना करके यहाँ से कट करेंगे और स्लाइड बना के जब देखेंगे, तो जो एपिडर्मिस होगी उसकी, उसके नीचे की जो सेल्स होगी, राइट, विच इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल्स. और यही रीजन है कि ये क्या है, हम इसको आसानी से बेंड कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग,
क्योंकि ये प्लांट की को फ्लेक्सिबल बनाता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट। पूरे प्लांट को आप इस तरीके से बेंड कर सकते हो, तो वहां पर कोलेन काइमा होता है, राइट। और जो प्लांट का हार्ड पार्ट होता है, राइट, वो आपका स्क्लेरेन काइमा बनाता है। स्क्लेरेन काइमा क्या करता है, प्लांट को हार्ड बनाता है। और जो आपके जाइलम और फ्लोएम है, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, वो वैस्कुलर बंडल बनाते हैं, यानी जो सेंटर में जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यू है वो एक बंडल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड वैस्कुलर बंडल, उसे हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं। इस तरीके से एक सेंटर में जो आपका होगा, इस तरीके से मौजूद होंगे आपके वैस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम, और एक वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ पर आपके मौजूद होगा आपका पिथ, जो कि पैरेन्काइमा से बना होगा। एक बार आप लोग बुक का फिगर देख लिए, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये जो पोर्शन दिखाया गया है आपको, ये प्लांट का कोई सेक्शन में कटिंग की गई है, इस तरीके से एक सेक्शन लिया गया है, हॉरिजॉन्टली एक सेक्शन कट किया गया और उसकी स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया है। तो जो ये पूरा पोर्शन है, द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस, राइट। और इसके नीचे जो ये हाइपोडर्मिस लिखा है, ये यहाँ पर कोलेन काइमा होता है। इसी वजह से जो प्लांट है वो फ्लेक्सिबल होता है, प्लांट की जो लीफ है और स्टेम है, यंग स्टेम, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। इसके अलावा एक कॉर्टेक्स रीजन होता है, एक रीजन होता है जिसमें बहुत सारी पैरेन्काइमा की सेल्स होती हैं। इसके अलावा एक ये जो आपको दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वैस्कुलर बंडल, राइट। और वैस्कुलर बंडल कौन बना रहा है, जाइलम एंड फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम, राइट, और दिस इज जाइलम। तो जब आप माइक्रोस्कोप में इसको लगाएंगे ना, तो आपको इतना पोर्शन ऑब्जर्व होगा, सिर्फ पूरा गोल सा पोर्शन, सर्कुलर शेप पोर्शन आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, सिर्फ इतना पोर्शन ऑब्जर्व होगा। वो जो इतना पोर्शन है वो ये है, इस तरीके से आप देखेंगे, आपका जो स्लाइड बनेगी वो इस तरीके से होगी, लेकिन जब माइक्रोस्कोप में आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो एक लार्ज स्केल पर दिखाएगा। तो पूरा पोर्शन आपको एक साथ ऑब्जर्व नहीं होगा, हो सकता है आपको ये पोर्शन दिखे या फिर इतना पोर्शन दिखे, तो वो इस तरीके से ऑब्जर्व होगा कि जो आउटर मोस्ट लेयर रहेगी आपकी, वो एपिडर्मिस रहेगी, जिसका फॉर्मेशन पैरेन्काइमेटस सेल से होता है, जो एक कंटिन्यूअस लेयर बनाएंगी, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। उसके नीचे का जो रीजन है वो कोलेन काइमा से बना होगा। देखिए, इसमें सेल्स जो है वो कॉर्नर पर ठीक होंगी और इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। यही रीजन है जो प्लांट क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। इसके अलावा जो कॉर्टेक्स रीजन है, उसमें क्या है, पैरेन्काइमा सेल्स मिल करके कॉर्टेक्स रीजन बनाएंगी, राइट। इसके अलावा जो सेंटर की तरफ जाते हुए क्या होगा, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होंगे, विच मेक वैस्कुलर बंडल, राइट। और एकदम सेंट्रल पोर्शन, एकदम बीच का, यानी ये वाला पोर्शन जो है, राइट, यहाँ तक ये जो पोर्शन है ये क्या है, इसे हम पिथ कहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल, राइट। तो आप एपिडर्मिस को पूरा डिटेल में पढ़ना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एरियल प्लांट या डिजर्ट में रहने वाले प्लांट, या जो प्लांट ड्राई कंडीशन में रहते हैं, उन सब में एपिडर्मिस का क्या रोल होता है, उसकी स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को एक अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ बुक एंड विद द हेल्प ऑफ लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।